नमस्कार, आज टॉप जॉब्स में बात करेंगे हफ्ते भर में निकली 7000 से भी ज्यादा वैकेंसीज के बारे में। आइए इनकी डिटेल्स जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 5280 पदों पर भर्ती निकली है। 21 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। सेलेक्ट होने पर ₹36,000 तक सैलरी होगी। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 दिसंबर है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर में अप्रेंटिस के 1104 पदों पर वैकेंसी है। 14 से 24 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। सेलेक्ट होने पर सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल द्वारा तय स्टाइपेंड दिया जाएगा। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट ner.indianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 दिसंबर है। गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के 995 पदों पर वैकेंसी है। 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। सेलेक्ट होने पर ₹44,900 से लेकर ₹1,42,400 तक सैलरी हो सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 15 दिसंबर लास्ट डेट है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी के 203 पदों पर वैकेंसी है। 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। सेलेक्ट होने पर ₹18,500 से लेकर ₹74,000 तक सैलरी होगी। ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 12 दिसंबर लास्ट डेट है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री में अप्रेंटिस के 320 पदों पर वैकेंसी है। इसके लिए एज लिमिट अप्रेंटिसशिप रूल्स के अनुसार तय की गई है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का स्टाइपेंड 8,000 से लेकर ₹9,000 तक होगा। ऑफिशियल वेबसाइट boatsrp.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए 16 दिसंबर लास्ट डेट।